बिल्ली। हाँ भाई बिल्ली है भाई। ये देखो दीवार, ये दीवार से उस दीवार में इसको क्या हो रहा है। मोमेंट देखते थोड़ा, 30 मिनट देख लो भाई बेटी को। बिल्ली देखने को झूम मार ना, देखे भाई झूम नहीं हो रहा है। ये फूल, फूल को भी हवा लग रही है भाई, देखो लग रहा है लगा पानी गरम गरम, लकड़ी जल रही है ये भाई। बीमार हो गया कुछ खाने खाने, आज सुबह लड़ाई हो गई थी, लड़ गया ये। जिसको उसने पीला था उसने इसको अभी पेल दिया गया है, बेहोश कर दिया था। अब देखे भाई गाइस कुछ इस प्रकार का रहता है घास। और ये पंजाबी ऐसे हो गए भाई पूरे सॉलिड, देख लो। और ये गुजराती भी हैं, गुजराती मद्रासी को भी दिखाते हैं। सिस्टम है भाई पूरा, पत्ते रॉकेट रॉकेट पट्टे भाई। देखो 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 कैसा हो रहा पिएगा पानी, बोले तो चल रहा है मामला तो सिस्टम है। मुर्गे की आंख बड़ी सॉलिड है भाई, फोकस लगा इनके यहाँ। जाओ भाई चार कुश्ती पड़ा हुआ, इसके बच्चे अवेलेबल रहते हैं इसके अंदर अभी, तो आए ही नहीं है कुछ ये सिस्टम में भाई। मारी 4000 का भाव आया था और इसने पीला, बचपन में इसको पीला था ये। और वो एक ही सांप के हैं लेकिन इससे छोटा है वो, 2 महीना पट्टा। देखो जी पट्टा है मन तो भाई बताएं, सेल के लिए है 5000 रुपये हैवी, इसकी कीमत रखी है भाई। ऊंचा भी है काफ़ी, 16-17 साइज जाएगा भी, 16 साइज तो है। तख्ती देखे भाई पट्टे की, बेल देखे, बहुत प्यारा पट्टा बना है भाई ये। अभी ये नस्ल हमारी चल रही है, ये दादी है जो कांटे वाली दिख रही होगी तुम्हारा दिल। आ आ जम्बो साइज 4 किलो है ये और 14+ है मादीन। और ये है हमारा 17+ मुर्गा है जो 18 साइज इसका बाप था, 2 किस्ती पड़ा था। तो ब्लड लाइन ये होती है भाई, ये देखिए ये मादी भी उसी की पट्टी है, पट्टी दादी परदादी में गई है, जो काले काले पैरों में पीला सीड। ये नस्लें अब ख़त्म हो चुकी हैं, काली काजर वाली बहुत तेज लड़ती हैं, काली बाज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया के अंदर। रामपुर की नस्ल है और ये नस्ल चली थी हमारी नूरपुर में है, नूतनी मुँह आगे को है, यूपी में है यार वो जगह, नाम भूल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मुर्गे वहीं लड़ते थे पहले संभल में, जो कि आजकल कम हो रहे दंगल भी नहीं। तो ये पट्टी भी उसी की है, संभल का है, ये पंजाब की ब्रीड है। ये भी हमने वहीं से ली थी रामपुर से, मुकरम भाई के वहाँ की घर की ब्रीड है ये भी पट्टा। 4 कुश्ती पड़ा है, जावा है जो हमारे उसका, उसकी पट्टी है ये सामने खड़ा है। और ये जावा का ही बच्चा है लाखा जो है ना, ये भी जावा का बच्चा है भाई ब्लैक। इस मादी के बच्चों की बच्चे हैं भाई, ये लाइन चली आ रही है हमारे फार्म में 4-5 साल से मेंटेन कर रखी है भाई हमने इस लाइन को, क्योंकि बहुत अच्छी कांटे वाली है भाई साहब। मादी देखे तो मादी की आँखें मैं दिखाऊँ पास से, तो जो हमारे रिजवान उस्ताद कहते हैं भाई हमारे पास है, तो वो अवेलेबल हमारे पे भी है। कजरी नस्ल कहते हैं इसको,
प्योर कजरी लाइन की, ब्लड लाइन की फीमेल है हमारे पास। ये भी हम बहुत लेके आए थे बचपन में, करीब करीब इतनी होगी 2.5-3 साल में, मतलब अच्छी खासी एज में आती है। अभी इस मादिन की कम से कम 5 साल एज है भाई, 5-6 साल एज है और लगती नहीं है मादिन। बहुत जेम्बो साइज़ में है ना मादिन, 4 किलो प्लस है 14 साइज़ में। अभी ये जो बनेंगी पट्टियाँ इससे ऊंची बनेंगी। ये बेगम में है, ये बेगम नस्ल में बनी है भाई ये, और ये बेगम नस्ल में है जावा, ब्लैक बनी है देखेगा ये। और पालने के हैं भी एक, ये बना है देखेगा इसे, ये 15-16 साइज में हो चुका होगा मेरे ख्याल से ना, पट्ठा ही है अभी। 4 से 5 महीने इसकी एज है, खुला रहता है ये। आह आह आह, इस पट्ठे से ये वाला पट्ठा ऊंचा है लेकिन ये हल्का है, ये जो है ये है ऊंचा है, ऊंचा पट्ठा है लेकिन एक आँख का भाई, ये बहुत प्यारा पट्ठा है वो देखिए, वो इससे भी ऊंचा है पट्टा भी, कम से कम साल भर 6-7 महीने में बहुत तगड़ा पट्ठा बन जाएगा भाई साहब। ये मादिन भी अच्छी है, हम YouTube की गाइडलाइन के अनुसार आपको पकड़ के नहीं दिखा सकते, अगर कोई देखना चाहता है तो पर्सनली आ सकता है फार्म में विजिट करें भाई। ये हाथ में लेके देखने वाली चीज़ है, देखो ये देखो एक चढ़ गई ऊपर उसको, देखो भाई बहुत ज़ोरदार पट्ठा है, 10-12 हज़ार से नीचे का पट्ठा नहीं है। मादे की आँख देखो इतनी साफ दिखेगी आपको, क्या बताऊँ। मादे देखो भाई इसकी आँख देखो, आ आ आ आ आ, कजरी ले, आ आ आ आ, कजरी है भाई, देखते रहना मजा आता है। ये गलवी आ गए भाई, मुन्ना भाई की ब्रीड है और इसका बाप ब्लड लाइन भी बहुत तगड़ी ब्लड लाइन है भाई। ये वो भी उस्ताद जी के घर का नस्ल की मतलब पट्टी आई है मेरे पे भाई, पीले का पट्टा था उन पे जो 14-12 हज़ार का हमने ही लिया था और वो हमने सेल भी कर दिया था 15 हज़ार रुपये का, जो पीछे ब्लैक वाली है ना उसका